अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 9th और 11th क्लास की प्रमोशन के मुतालिक सबसे बड़ी ख़बर आपको देने जा रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स को, तलबा को, तलबात को, मैट्रिक के तलबा को और साथ साथ फर्स्ट ईयर के तलबा को, क्योंकि उनके इम्तहानात ईद के बाद होंगे। 14 अगस्त से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे पेपर, और कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके जल्दी भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब तक की बड़ी ख़बर तमाम तलबा को, क्योंकि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से ज़ोर पकड़ रहा है, उसमें मुसलसल इजाफा दिखाई देने को मिल रहा है। कोरोना की चौथी लहर ने मुल्क के अंदर तबाही मचा दी है, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर केसेस में जो है वो मुसलसल इजाफा, अचानक से जो है वो केसेस ऊपर जा रहे हैं। तो अब वज़ीरे तालीम की हंगामी मीटिंग जो है वो आपको बड़ी ख़बर देने जा रहा हूँ। वज़ीरे तालीम का इजलास और NCUC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जो कोरोना वायरस का इदारा है, और इसके साथ साथ आपको बड़ी ख़बर देने जा रहा हूँ। कोरोना की चौथी लहर बड़ी ख़तरनाक है, इस पर इमरान खान, असद उमर, दीगर जो है वो वज़ीरे ने, उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी खबरदार किया है। ईद के बाद लॉकडाउन का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो अब 9th और 11th क्लास के इम्तहान ईद के बाद लिए जाएंगे, तो अब इम्तहान को या तो मुलतवी किया जाएगा या तो उनकी तलबा की प्रमोशन कर दी जाएगी, कि और अगले साल जो है वो कम्बाइन इम्तहान लिए जाएँ। ये शायद एक तमाम तलबा के लिए पॉलिसी बन सकती है इम्तहान के मुतालिक। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी इम्तहान के मुतालिक जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी शेयर करेंगे। जल्दी से अपना प्यार दें, तमाम स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज़ आए आपको बर वक्त मिल सके।